तो कुछ करो भाई, आप एक अच्छा स्कूल खोलो जहां कुरान भी पढ़ाया जाए बच्चों को, जहां नमाज भी सिखाया जाए बच्चों को, जहां सलाम भी सिखाया जाए बच्चों को। हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्रिसेंट हॉस्पिटल। मैं देखा हूं, आपको पता हॉस्पिटल किसने बनाई है? मुस्लिम डॉक्टर लड़कियों ने मिलकर हॉस्पिटल बनाई है। मुस्लिम डॉक्टर लड़कियां, जो लड़कियां एमबीबीएस करके आई, एमडी करके आई, सर्जन बनकर आई माशाल्लाह, उन तमाम बेटियां एक जगह जमा हुई मुसलमान लड़कियों ने और कहा चलो हम लोग अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। उस हॉस्पिटल में सिर्फ औरत का इलाज होता है, 10 साल के बच्चे की भी एंट्री नहीं है। वॉचमैन भी औरत है, अंदर में स्टाफ सारी औरतें हैं। और हमारी जो बहनें डॉक्टर है माशाल्लाह, उसमें से बाज डॉक्टर हाफिज़े कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ा है। हमको बताया गया कि जब डॉक्टर सर्जरी के लिए आती हैं और किसी औरत को बेहोश करना है तो एनेस्थीसिया दी जाती है बेहोश करने से पहले, तो एनेस्थीसिया देने से पहले मुस्लिम पेशेंट को डॉक्टर कलमा पढ़ाती है। बहन मेरी कलमा पढ़ ले, जिंदगी बच जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर चली गई तो ईमान वाला बनकर जाएगी, जन्नत में जाएगी। और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ती है, वजू बनाकर नमाज पढ़ती है और अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह मेरा काम ऑपरेशन करना है, शिफा देना तो आपका काम है। लोगों ऐसी बेटियां तैयार करो, ऐसी बेटियां तैयार करो। मुसलमानों जब तुम्हारी माएं नमाजी होती हैं, मुसलमानों एक जमाना था जब माँ रोजेदार होती थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है आप लोगों ने? एक बहुत बड़े वली गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की माँ के पास मोहल्ले की औरतें गई और उन्होंने जाकर कहा, ओ बड़ी बी, आपका बेटा तो बड़ा वली है माशाल्लाह, बड़ा वली है। कहा अच्छा क्या हुआ मेरे बेटे का? कहा वो दुआ करता है तो अल्लाह कबूल करता है, वो पानी में दम करता है तो शिफा मिलती है, वो कुछ पढ़ के देता है तो बीमारी दूर हो जाती है, बड़ा अल्लाह का वली है। माँ थी खुशी से झूम उठी और कहने लगी, हाँ हाँ अल्लाह ने मेरे बेटे को नवाजा है, लेकिन मुझसे तो पूछ मैंने अपने बेटे की परवरिश कैसे की है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की माँ कहती है, मैंने अपने बेटे फरीद को बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाई। यानी जब जब बेटे को दूध पिलाती थी तो क्या करके, अरे भाई बताओ, वजू बनाकर दूध पिलाती थी। जब माँ वजू बनाकर दूध पिलाती है तो बेटा फरीदुद्दीन होता है, जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा ख्वाजा मुइनुद्दीन होता है, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा हजरत निजामुद्दीन होता है, माँ दीनदार होती है तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है। और आज माए टीवी के सामने पिक्चर देखते हुए बच्चे को दूध पिला रही है तो बेटा सलमान खान पैदा होता है, बेटा शाहरुख खान पैदा होता है, मोहल्ले मोहल्ले में डीजे चल रहे हैं। अब मुसलमानों के हेयर स्टाइल तो देख लीजिए, कहते अल्लाह मदद कर, और बाल यहूदियों वाले चारों तरफ से बाल खत्म कर दिया, बीच में एक मुर्गे के झुंड की तरह बाल रखा ताकि फरिश्ते को पकड़ पकड़ के जहन्नम में फेंकने में आसानी हो। अरे मुसलमानों के बड़ों गैरत करो कि तुम्हारी औलादे खड़े होकर पेशाब करने वालों का बाल रख रही है, तुम्हारी औलादे सुअर खाने वालों का स्टाइल अपना रही है, तुम्हारी औलादे कुत्ते पालने वालों की स्टाइल अपना रही है। अगर मुसलमानों की औलादे अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपनाएगी, तुम बताओ अल्लाह की मदद कैसे आएगी, कैसे आएगी भाइयों? इसलिए सलाम करना सीखो इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, बड़े को भी सलाम छोटे को भी सलाम।